दोस्तों आपका स्वागत है हमारे देसी फिटनेस कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अयुब हाशमी। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि सेल्फ वार्म अप करना चाहते हैं, जिनको जनरल वार्म अप नहीं पता, या फिर कोई टीचर है जिसको ग्राउंड एक्टिविटी करानी है बट कैसे कराएं नहीं पता। तो आप इसमें सीखेंगे कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग को ट्रेनिंग देनी है, वार्म अप कराना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग आप लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हैंड की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बॉडी के हर पार्ट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद आती है रनिंग की। तो रनिंग में हम लोग स्लो से स्टार्ट करते हैं फास्ट। आप बच्चों को मंकी जंप करा सकते हैं, मंकी जंप के साथ साथ आप लोग उनको ग्राउंड टच करा सकते हैं, टच द ग्राउंड करा सकते हैं, प्लस एंड लास्ट सूट रन करा सकते हैं, या फिर क्या रिवर्स बैक रन करा सकते हैं, उल्टी साइड से रन करना और ऐसे। तो ये करके आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग है। अब इसके बाद आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देनी है जो कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमेशा जो होती है वो ग्राउंड, मतलब आपके टो से लेके हेड तक होगी, या हेड से लेके टो तक। तो आज हम लोग करेंगे टो टू हेड, पैर से लेकर के सर तक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो। सबसे पहले एक्सरसाइज एंकल रोटेशन। पुट योर हैंड ऑन योर वेस्ट। ओके, राइट लेग बैक, रोटेट क्लॉकवाइज, टेन टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो आप मेरा पैर देख रहे हैं, इसको और प्रॉपर तरीके से अच्छे से हमको क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम काउंटिंग के साथ बच्चों को कराना है। और अब आती है दूसरी एक्सरसाइज के बारे, जिसमें हमने ग्राउंड टच कराया, जिससे कि आपके काफ मसल है, थाइज मसल है, ये सब स्ट्रेचिंग हो जाती हैं। तो इसको हम लोग को 10 टाइम 20 टाइम करना है, और साइड टू साइड भी हम लोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो में साइड टू साइड किस तरह से हम लोग ने ये एक्टिविटी करी है। तो डाउन डाउन टच द ग्राउंड, डाउन डाउन टच द ग्राउंड। अब लेग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम लोग। तो लेग स्ट्रेचिंग में हम लोग आपकी जो साइड स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें आप लोग नीज और एक लेग फॉरवर्ड कर करके साइड में स्ट्रेचिंग करते हैं, उसको करेंगे। और सेम एक बार राइट लेग से आप जितना स्ट्रेचिंग कर सकते हैं करेंगे, फिर सेम ऐसे ही हम लोग लेफ्ट लेग से। तो दोनों साइड से हमको ये स्ट्रेचिंग करनी होती है। अब इसको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के बाद हम लोग की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी में जो हमारा हील है वो हमारा अप हो जाएगा और हमारे हैंड जो हैं वो ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो अब ये हमने ऐसे कर लिया, और अब हमको नीचे डाउन करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे कि हमारे जो लेग मसल्स हैं वो रेडी हो जाएं नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए। तो इसको भी आप लोग 10 टाइम काउंटिंग के साथ करा सकते हैं। अब इसको साइड टू साइड दोनों लेग से चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग एक लेग होल्ड करके उसको ग्राउंड साइड टच करेंगे। मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक दिखाया है, आप लोग दोनों कर सकते हैं और प्रॉपर इसको स्ट्रेचिंग करेंगे। अब हम लोग को अपना फॉरहेड है, नोज़ है, उसको नीज तक ले जानी है। कोशिश करनी, अगर नहीं ले जा पाते हैं तो कोशिश करनी वहाँ तक टच हो जाए। तो ये आपके पूरा वेस्ट से लेकर के हिप और थाइज की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और आगे अब हम लोग को फॉरहेड है, ग्राउंड पर टच कराना है, जिससे कि और अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए। नाउ ट्रंक रोटेशन बैक हाफ। तो ट्रंक रोटेशन बैक हाफ हम लोग को ये करना है। तो ये भी दोस्तों 10 टाइम आगे इस फ्रंट हाफ और 10 टाइम पीछे बैक हाफ। आपको फुल अगर ट्रंक रोटेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब ट्रंक रोटेशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्न आती है वो है हमारे साइड स्ट्रेचिंग की। तो आपने एक साइड का हैंड अप किया और उसको दूसरी साइड टच कराया। तो ऐसे प्रॉपर हम लोग को साइड टू साइड स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे कि हमारे जो ये साइड्स हैं, ठीक है, कमर है और जो हमारे बाजुएं हैं वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो जाए और वार्म अप होता रहे बॉडी का। अब हम लोग ये साइड टू साइड रोटेशन करेंगे पूरा आपका। ये इसमें लेग नहीं हिलते हैं, सिर्फ आपका हैंड मूवमेंट होता है। तो आप लोग देख ही रहोगे वीडियो में किस तरह से हम लोग को ये एक्टिविटी करनी है, और कोशिश करनी है कि कंटिन्यू 20 टाइम तक ये चीज़ें होती रहें। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे शोल्डर रोटेशन की, जिसमें हम लोग अपने दोनों हैंड
दोनों हैंड प्रॉपर तरीके से हम लोग को रोटेट करने हैं, बहुत ही आराम से, जल्दी नहीं करना है। अब इसमें हम लोग को हैंड पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड करते जाना है, जिससे कि हमारे जो साइड्स हैं, चेस्ट है, वो चेस्ट कैविटी वो अच्छे से ओपन हो जाए। ठीक है, चलो ऐसे हमको फेस एक्सरसाइज करनी है। यस सर, ऐसे भी करके कर सकते हैं। जल्दी आईज रोटेशन, तो आईज जो है आपकी उसको रोटेट करना है ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हंसी होती है, ठीक है, पहला स्माइल, दूसरा छोंक हंसी, क्या छोंक हंसी, और तीसरा होता है आपका राउंड वाली हंसी। 3, 2, 1।